नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। गणेश चतुर्थी के लिए गणेश जी की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं और ऐसे में गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में स्थित एक ऐसी जगह पर लगभग 50 सालों से गणेश मूर्तियां बनाई जाती है। इन लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है और साथ ही मूर्ति बनाने के लिए और मूर्तियां बनाकर उन्हें तैयार कर बेचने के लिए इस बार जो है मार्केट में ग्राहक कम है और इसी वजह से मूर्ति बनाने वाले बेहद ही परेशान हैं। वहीं अहमदाबाद में बता दें गुलबाई टेकरा पूरे गुजरात में जाना जाता है। यहाँ पर हर एक प्रकार की भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और बेची भी जाती हैं। सबसे ज़्यादा भगवान गणपति की मूर्तियाँ बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी यहाँ पर मिल जाती हैं। लोग कहीं कहीं से मूर्ति खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की महामारी ने सभी के हाल बेहाल कर दिए हैं। लोगों की नौकरियां जो हैं वो चली गई हैं और ऐसे में इसीलिए लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं और जिससे दिक्कत आ रही है। लोग पैसा खर्च करने में हिचकिचा रहे हैं और हर दिन देश में महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोग पैसा खर्च करें तो करें कैसे। और साथ ही इससे जो है मूर्तियाँ बनाने वाले मूर्तिकार जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि मूर्तियाँ उनकी उस हिसाब से नहीं बिक रही हैं जिस हिसाब से पिछले 2 सालों से थी और इसीलिए उनका घर चल पाना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं कोई खरीदने के लिए नहीं पहुंचता है दुकानों पर, मुनाफा भी इन लोगों को नहीं हो रहा है। एक गरीब परिवार इस प्रकार से बता दें परिवार का गुजारा करते पर वो सोचने वाली बात है कि किस तरह से परिवार जो है वो गुजारा करेगा। पर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। कल गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और ऐसे में तरह तरह की मूर्तियां जो हैं वो बाज़ारों में मिल रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से छोटी छोटी मूर्तियां और बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हैं वो बनाई जा रही हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ गुजरात से हमारे ब्यूरो चीफ प्रणव सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, कल गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, आज की बात करें तो बाजारों में कैसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है? अरुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो माहौल है, जो गणेश महोत्सव का माहौल है, कल गणेश चतुर्थी है, लेकिन जो बाजारों का माहौल है, जो गणेश भगवान की जहाँ मूर्तियां बिक रही है वहां पे जो मूर्ति सृजनकार है वो बेहाल हो गए, क्योंकि जो कोरोना काल के बाद लोगों के पास पैसे नहीं है और पैसे ना होने के बाद महंगाई भी इतनी बढ़ रही है, पूरे देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसके वो सीधी सीधी असर पूरे लोगों को जनता पे पड़ रही है। और जनता जिस प्रकार से त्योहारों का आयोजन करती थी और दीपावली हो या गणेश महोत्सव हो या नवरात्रा हो, सभी में पैसे खर्च करती थी, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है इसको देखते हुए बाजारों में भी जो मूर्तियां लेने के लिए जो लोग जाते थे, यानी कि प्रणव, दुकानदार जो है वो पूरी तरह से तैयार है, उनकी तरह से हर तरह की मूर्ति बनाई जा रही है, लेकिन खरीदने के लिए वहां पर लोग कम पहुंच रहे हैं। जी जी, जिस प्रकार से जहाँ पे मूर्तियां बिक रही है, मूर्तियां काफी संख्या में बनाकर रेडी रखी है, 1 साल से वो लोगों की मेहनत रहती है लगातार, वो लोग जो इको फ्रेंडली मूर्तियां, अभी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से बड़ी मूर्तियां वो लोग बेच नहीं पाएंगे, लेकिन जो इको फ्रेंडली जो मूर्तियां है, जो मिट्टी की बनी हुई है, वो भी काफी वेराइटीज में उन्होंने बना के रखी है, लेकिन फिर भी आज लास्ट दिन है आज मूर्तियां लेने का, लेकिन फिर भी बाजार जो जहां पे मूर्तियां बिक रही है वहां पे लोगों की भीड़ कम दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रणव, और देखिए लगातार आपने जो है मार्केट पे जाकर दुकानदारों से भी बातचीत की है, लोगों से भी बातचीत की है, तो अगर पिछले 2 साल पहले की बात कर ली जाए तो 2 साल पहले कितनी मूर्तियां इस समय बिक जाती थी और अब किस क्या स्थिति है, कितनी मूर्तियां बिक पा रही हैं? जो कोरोना के पहले जो बात थी, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां, बड़ी बड़ी मूर्तियां जो बनाते थे वो लोग, वो बड़ी मूर्तियों में उनको काफी मुनाफा मिलता था, क्योंकि वो साल में जो जब गणेश चतुर्थी आती थी तब मूर्तियां बिकती थी, तो मिनिमम 10-15 लाख की मूर्तियां वो लोग बेचते थे, और वो पूरी मूर्तियां बेचने के बाद पूरा जो उनका 1 साल का जो परिवार का जो गुजारा था वो उन्हीं के अंदर वो लोग करते थे। लेकिन अभी के जो माहौल के हिसाब से गुजरात सरकार ने गाइडलाइन दी है कि 4 इंच के सिवा बड़ी मूर्ति आप बेच नहीं पाएंगे, इसके लिए उन लोग को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना
करना पड़ रहा है। बिल्कुल यानी कि प्रणव, एक तो लोग जो है वो खरीदने के लिए पहुंच नहीं रहे हैं मार्केट में, ऊपर से सरकार ने भी गाइडलाइंस ऐसी जारी कर दी हैं कि 4 फीट से ज्यादा की मूर्ति नहीं बना सकेंगे, जिसकी वजह से दुकानदारों को ये परेशानी हो रही है। जी जी हाँ जी हाँ, जिस प्रकार से लोग जो कोरोना के पहले वो लोग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बेचते थे वो भी उन पे बैन कर दिया है, और अभी सिर्फ और सिर्फ गुजरात सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो मिट्टी की मूर्तियां है वो बेच पाएंगे। लेकिन उनमें दिक्कतों का सामना मूर्ति सर्जकों को होता है, क्योंकि जो लेने आते हैं कस्टमर वो मूर्ति ले जाते वक्त मिट्टी की मूर्ति कहीं ना कहीं डैमेज होती है, और डैमेज होने के बाद वो लोग वापस देने आते हैं। इसके लिए जो मूर्तिकार है उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए प्रणव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गणेश चतुर्थी का त्योहार जो है वो कल मनाया जाएगा, लेकिन ऐसे में दुकानदार जो है वो परेशान है, क्योंकि उनके सामने जो है तमाम तरह की परेशानी खड़ी हो गई है। अब लगातार देखिए कोरोना की वजह से पिछले 2 साल की बात कर ली जाए तो 2 साल से बाजारों में लोग जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में मूर्तिकार मूर्ति तो बना रहे हैं लेकिन उनकी मूर्तियां जो हैं वो खरीदी नहीं जा रही जितनी जिस तरह से 2 साल पहले खरीदी जाती थी। ऐसे में जो छोटे मूर्तिकार हैं जो मूर्तियां बनाकर बेचते हैं, अब उनके सामने अपने घर चलाने का जो है समस्या वो खड़ी हो गई है, क्योंकि कई खरीदार ऐसे हैं जो पहले से तैयारियां कर लेते हैं, पहले से पैसा पूरा लगा देते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना काल में उस हिसाब से बिक्री नहीं हो रही जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। तो बता दें देश भर में जो है गणेश चतुर्थी की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं, और ऐसे में छोटे से बड़े मूर्तिकार हर कोई जो है मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कितने अच्छी तरीके से गणेश जी की मूर्ति जो है वो बनाई जा रही है, लेकिन इस समय समस्या जो है वो दुकानदारों के सामने ये है कि लोग जो है उतनी संख्या में मार्केट में नहीं पहुँच रहे हैं, बाजार में नहीं जा रहे हैं जितनी संख्या में 2 साल पहले कोरोना काल से पहले वो जाते थे, और इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियाँ जो है वो जो खरीदी जाती थी वो अब नहीं खरीदी जा रही है। अगर पिछले 2 साल पहले की बात कर ली जाए तो इस समय के दौरान 10 से 15 लाख का जो मूर्तियां थी वो दुकानदारों से लोग खरीद लेते थे, इतना मुनाफा दुकानदार जो है वो कमा लेते थे। लेकिन अगर कोरोना काल के समय की बात की जाए तो दुकानदार जो है वो मुनाफा बिल्कुल भी नहीं कमा पा रहे हैं। चलिए गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कल गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, ऐसे में देखिए बाजारों में तो हलचल देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इस बार दुकानदार जो हैं वो परेशान हैं, मायूस हैं, क्योंकि बिक्री उनकी मूर्तियों की नहीं हो पा रही है। देखिए पारुल, ये कहना बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से मूर्तियां सजाई मूर्तियों लगातार बनाया गया है, सुंदर सजाई गई हैं, उस तरीके से खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसको लेकर मूर्तिकार खासा परेशान है। गाजियाबाद की तस्वीरें जो अपने दर्शकों से हम साझा कर रहे हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है, साथ ही साथ मूर्तिकारों की जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो भी सुना जा सकता है कि वो परेशान है, क्योंकि मूर्तियां तो उन्होंने बना ली है, तैयार कर ली है, लेकिन इंतजार है ग्राहक का जो कि नहीं आ रहे हैं। ये कोविड काल है और इस पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो गणेश पूजन हुआ ही नहीं था, लेकिन अब मूर्तियां तैयार की गई हैं। हालांकि लेकिन जितेंद्र, इस बार देखिए पिछले बार हालात जो थे वो थोड़े खराब थे, इस बार हालात ठीक है और सरकार ने भी छूट दे दी है, तो क्या ऐसे में अब भी मूर्तियां नहीं खरीदी जा रही हैं? बिल्कुल ठीक है कि हालात ठीक है, कोरोना की जो जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो काफी कम हो जी के लोगों की जेबों पर खास असर पड़ा है। लॉकडाउन और तमाम चीजें जिस तरीके से हुई हैं उस तरीके से लोगों की जेबों पर खास असर पड़ा है, और जो कम मूर्ति पहले पड़ लगाए जाते थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां खरीदी जाती थी और बड़े जश्न के साथ में गणेश पूजन किया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। खासतौर से मूर्तिकार परेशान है जिनके पास पूरी तरीके से ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। जी पारुल जी, चलिए जितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में गाजियाबाद में भी जो है हालात ऐसे ही हैं जैसे गुजरात में है, मूर्तिकार मूर्ति तो बना रहे हैं लेकिन बाजार में दुकानों पर लोग इस बार मूर्ति खरीदने के लिए उतनी संख्या में नहीं पहुँच रहे जितनी संख्या में कोरोना काल से पहले पहुँचते थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। साथ ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। बता दें यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी को सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे, उससे जाट से लेकर छात्रों तक को लुभाने की कोशिश की जाएगी। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह एक जाट नेता थे, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान दी थी। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक राजा महेंद्र प्रताप ने 1929 में 1 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन 2 रुपए सालाना दर पर लीज पर दी थी और कई विवादों के बीच योगी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया था। तो ऐसे में 14 सितंबर को पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा है, जहां पर वो अलीगढ़ जाएंगे और डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। हालांकि पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सियासी मायने जो हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में आज जो है बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र देव सिंह करने वाले हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक जो है ये होने जा रही है और ऐसे में बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली ये अहम बैठक उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में की जाएगी। इस बैठक में संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और बता दें 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 2022 चुनावों को देखते हुए बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। बात करें सपा बसपा कांग्रेस या अन्य दलों की, तो सभी चुनावों को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश भर में कई सियासी बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो कोई जो है कई सियासी गणित बैठाने में जुट गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भी चुनावी समर को देखते हुए संगठन की मजबूती को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की 9 सितंबर यानी कि आज जो है ये बैठक होने जा रही है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही इस बैठक को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। हाल ही में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति भी की है और ऐसे में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारियों की सूची भी जारी कर दी है। इस लिहाज से कई बड़े फैसले जो हैं इस बैठक में हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश में अब तक लगाए गए कोविड-19 रोधी टीकों की कुल खुराक 71 करोड़ को पार कर चुकी है। जी हां, बुधवार शाम 7 बजे तक 73 लाख से ज्यादा खुराक दी गई थी और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत को 10 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े तक पहुँचने में 85 दिन लगे थे, 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 45 दिन और 30 करोड़ तक पहुँचने में 29 दिन लगे थे। ऐसे में देश को 30 करोड़ खुराक से 40 करोड़ टीकाकरण तक पहुंचने में 24 दिन लगे और फिर 6 अगस्त को 50 करोड़ टीकाकरण को पार करने में 20 दिन और लगे हैं। ऐसे में मंत्रालय ने कहा है कि 60 करोड़ के आंकड़े को पार करने में 19 और दिन लगे, जबकि 8 सितंबर को 70 करोड़ तक पहुंचने में केवल 13 दिन लगे। ऐसे में देश में सबसे संवेदनशील समूह को कोविड-19 से बचाने के लिए चलाए जा रहे इस टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और उच्चतम स्तर पर निगरानी जो है वो की जा रही है। साथ ही देश में एक दिन में कोविड-19 के मामले जो हैं वो 37,875 सामने आए हैं और जिससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ के पार पहुँच चुकी है, जबकि इलाज करा रहे मरीज की संख्या कम होकर 3,91,000 पर आ गई है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है 8 बजे तक के आंकड़े ये जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि 370 और मरीजों की जान गंवाने के बाद मृतकों की संख्या 4,41,411 पर पहुंच चुकी है और ऐसे में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 1.18% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों को राष्ट्रीय दर जो है वो 97.48% है।
चलिए ज्यादा जानकारी के साथ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूबी, जिस तरह से देखा जाए कोरोना के मामले एक तरफ तो बढ़ते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ ये कम होते भी नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 37,000 के करीब मामले सामने आए हैं। बिल्कुल लगातार गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, खासतौर से आसपास की अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पे मतलब न्यूनतम से न्यूनतम देखा गया कि वहां पे कोरोना के जो मरीज है कम पाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में भी जो आंकड़े हैं निकल के आते हैं, शाम को एक बुलेटिन दी जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि जो गिरावट आई है लगातार कम आती जा रही है। और इसके मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी ने भी जो पहले भी कर्फ्यू में थोड़ी बहुत ढील दी थी, उसके बाद सैटरडे संडे था उसको उन्होंने खत्म किया था, फिर उसके बाद उन्होंने 10 बजे के रात का कर्फ्यू लागू किया था, उसके बाद 11 बजे, यानी कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है दिन से दिन लगातार जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और लखनऊ समेत जिले के जितने भी आंकड़े निकल के अभी तक जो देखा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दिखते ही नजर आ रही है। बिल्कुल रूबी, और मामले जिस तरह से यूपी की बात कर लें, यूपी में कम हो रहे हैं मामले जिस तरह से, इसीलिए सरकार जो है वो लगातार छूट भी देती जा रही है नियमों में, चाहे वो नाइट कर्फ्यू की बात कर ली जाए या तमाम नियम कोरोना गाइडलाइंस जो है उसकी बात कर ली जाए, इसीलिए छूट दी जा रही है क्योंकि मामले लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन देखिए, अब आने वाले दिनों में, आने वाले अगले एक महीने की बात करें तो त्योहारों का सीजन जो है वो शुरू होने वाला है, तो कहीं ये छूट जो है वो आगे आने वाले समय में हानिकारक भी साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, कल ही लखनऊ समेत धारा 144 लगा दी गई है और ये लगभग 5 अक्टूबर तक लगातार बनेगी। वजह यही बताया जा रहा है कोरोना के जो मामले हैं उनको ध्यान में रखते हुए, त्योहार नजदीक आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो धारा 144 लगी थी वजह यही रही कि इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। और त्योहार होने के साथ साथ एक साथ लोग इकट्ठा ना हो इस चीज को लेकर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। हॉस्पिटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में इन दिनों वायरल भी काफी टाइम से चल रहा है और इन सबको देखते हुए कोरोना को भी खास ध्यान रखा है। ब्लैक फंगस के अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। आज लखनऊ की अगर हम बात कर रहे हैं, लखनऊ में ही 2 डेंगू के मरीज जिनकी डेथ हुई है वो भी बताया जा रहा है। तो कोरोना की जो आंकड़े हैं उसमें भले ही कमी आ रही हो लेकिन अब सितंबर अक्टूबर का जो महीना है डॉक्टर का तो यही कहना है इसमें वायरल फीवर जो चलते हैं वो काफी। बिल्कुल रूबी, और अगर वैक्सीनेशन की यहाँ पर बात कर ली जाए तो यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए हर रोजाना जो है वैक्सीनेशन अपने एक और अलग अलग रिकॉर्ड बना रही है। अब जो है 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन जो है वो लगा दी गई है, तो ऐसे में मामले शायद इससे भी कम आ रहे हैं। यूपी में वैक्सीनेशन पर क्या अभी अपडेट है? वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो कई जगह ऐसे भी होते हैं कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े जरूर हैं, उनका ये भी कहता है कि बहुत टाइम से खड़े हुए अभी तक नंबर नहीं मिल पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना निकल के आता है कि दूसरी डोज लगवा चुके हैं और अब अपने परिवार के और लोगों को लेके आए, तो कैंप थोड़े थोड़े जगहों को लेके लगाया जा रहा है। हाल ही में योगी सरकार ने एक और काम किया है, डीएम के साथ उन्होंने मीटिंग करी थी, उसमें एक हेल्प डेस्क तैयार किया गया। उस हेल्प डेस्क के अंदर में लोकल नंबर डाले गए हैं जिसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हो पा रहा है उस नंबर पे संपर्क करके आप पास के अपने जो भी बूथ होगा उस पर जाके आप अपना वैक्सीन लगवा लें, यानी कि टीकाकरण जो है वो उसमें कहीं से भी कोई कोताही ना बरते। आसपास के जो भी आपके सरकारी अस्पताल पड़ रहे हैं या आपके प्राइवेट हॉस्पिटल पड़ रहे हैं जरूर से जरूर वहां पे जाए और इन हेल्पलाइन नंबर से भी लोगों को काफी मदद मिल रही है। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो लगातार एक नई रफ्तार और अच्छी पकड़ता हुआ दिन पर दिन नजर आ रहा है। अब तक 71 करोड़ लोगों को से ज्यादा लोगों को वैक्सीन जो है वो दी जा चुकी है। हरियाणा में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों के आंदोलन को देखते हुए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और मैसेज सेवाओं को निलंबित कर दिया है, तो ऐसे में करनाल में पिछले 3 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है और इसको देखते हुए मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं। किसान एक तरफ अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार और पुलिस प्रशासन भी डटा हुआ है, जिससे आज 3रा दिन है करनाल में किसानों के इस धरना प्रदर्शन का।
मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, बता दें कि सिविल लाइन इलाके में 27 की देर रात को कारोबारी विपिन जैन के घर हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बरामद हुए माल सहित अंतर्राज्य चोरों के गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में विपिन जैन जो कि कारोबारी हैं और किसी काम से देहरादून वो गए हुए थे, इस दौरान रेकी कर चोरी करने वाले गैंग ने घर का ताला तोड़कर घर में रखे करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी की और ऐसे में जिस पर पुलिस ने कई दिनों की बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद इस ग्रोह का पर्दाफाश जो है वो कर दिया है। नगला बट्टू रोड पर साकेत क्षेत्र में एक सनसनीखेज एक चोरी हुई थी। जैन साहब जो वादी हैं वहाँ के रहने वाले थे और वो देहरादून गए हुए थे और उनके घर में रात्रि में किसी समय कुछ बदमाशों ने ग्रिल काट के घर के और चोरी कर ली थी। ये पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 टीमें इसमें नियुक्त की गई थी और तीनों के अलग अलग काम निर्धारित किए गए थे। प्रसन्नता का विषय है कि ये लगभग 10 दिन में हमें इसमें इस गैंग को वर्कआउट करने में और काफ़ी सामान जो चोरी गया था उसको बरामद करने में हमको सफलता मिली है। सर, कितने का सामान था और किस तरीके से ये कामयाबी मिली? देखिए, सामान की जो कीमत है उसके बारे में वादी ने बताया था कि ये जो तहरीर में तो कुछ नहीं लिखा था लेकिन बाद में उन्होंने हम लोगों को अवगत कराया जब अपने सामान का आकलन करके तो बताया कि ये कई करोड़ रुपए की जो चोरी थी और उसका आकलन अभी भी जो है वो कर रहे हैं कि आखिरकार कितना सामान गया था, क्योंकि आपने जैसे कि देखा अभी गोल्ड और गोल्ड के साथ में डायमंड की ज्वेलरी है तो उसका आकलन करना हमारे लिए या उनके लिए भी आसान नहीं था। चुनाव पास आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और उनका कहना है कि बीजेपी धर्म पर राजनीति करती है। इस दौरान नरेश उत्तम पटेल ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर ये यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य खेत खलिहान बचाव और युवाओं को रोजगार दो है और ये इस यात्रा का 12वां जिला है। जिस तरह से किसानों नौजवानों की भीड़ बढ़ रही है, जनता बीजेपी से नाराज है। बीजेपी ने किसानों नौजवानों को धोखा दिया है और कहा कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे और अभी तक पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। 15,000 करोड़ गन्ने का भुगतान बकाया है और साथ ही उन्होंने कहा कि MSP भी देंगे, ये सरकार की तरफ से कहा गया था लेकिन 92% किसानों को MSP नहीं मिल रही है। हम किसानों की मांग का समर्थन करते हैं और साथ ही सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम जातीय जनगणना के पक्ष में ही हैं। इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन बीजेपी नहीं कर रही है। 11 दिनों से मैं 11 जिले जाती हूँ, 12वां जिला ठीक तरीके से भीड़ मर रही है, नौजवानों की भीड़ मर रही है, जनता बीजेपी से नाराज के साथ विशेष करके किसानों के साथ बीजेपी ने धोखा दिया। कहा कि 14 के अंदर कहा 2 करोड़ लोगों को सुबह रोजगार दे देंगे, अभी तक पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। कहा गन्ने का मूल्य दे देंगे 15,000 रुपये का गन्ने का बताया, कहा MSP दे रहे हैं, 92% किसानों का MSP नहीं मिला। किसान कह रहा है कि हमको MSP गारंटी दे दो, अगर MSP की गारंटी भारत सरकार दे दे तो किसान क्या सकते हैं कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।